गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं GSTR 3B से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट जो कि GSTR 3B के ऊपर पेनल्टी से रिलेटेड है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी GSTR 3B के अंदर ये जो पेनल्टी के नोटिसेस अब आने लग रहे हैं इसका क्या करना है और कितना ये नोटिस वैलिड है और कितना ये नोटिस जस्टिफाइड है उसके विषय में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये मैंने ओपन करा है जीएसटी एक्ट जिसका सेक्शन 39 बात करता है फर्निशिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न्स। जीएसटी का सेक्शन 47 बात करता है लेट फीस के बारे में और सेक्शन 125 बात करता है जनरल पेनल्टी क्लॉज के लिए। अब लोगों को जो नोटिसेस आ रहे हैं GSTR 3B की लेट फाइलिंग के लिए वो सेक्शन 125 के अंदर भी भेजे जा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, लेट फीस जो सेक्शन 47 के अंदर है वो तो आपसे पोर्टल कैलकुलेट करके ले ही रहा है, अब नोटिसेस जो हैं सेक्शन 125 के अंदर भी भेजा जा रहा है। मैक्सिमम पेनल्टी 50,000 तक जिसमें लगाई जा सकती है और उसमें जो हवाला दिया जा रहा है, जो रेफरेंस दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 और रूल 61 का। अब देखते हैं ये हमारा सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 क्या कहता है। ये कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन और अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10 यानी कि कंपोजिशन पर्सन और सेक्शन 51 और 52 फॉर एवरी कैलेंडर मंथ और पार्ट देयर ऑफ फर्निश इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड अ रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड टैक्स पेएबल टैक्स पेड एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 ये कहता है कि हर एक रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को अपनी जीएसटी की रिटर्न भरनी है आप ऑन और बिफोर द 20th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। सपोज आपका जनवरी 20 का 3B फाइल होना है, वो आपको फाइल कब तक कर देना है, 20th फरवरी तक। अब इसके रिलेटेड जो रूल्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं रूल नंबर 61। इसमें बताया गया है फॉर्म एंड मैनर ऑफ सबमिशन ऑफ मंथली रिटर्न, जिसमें GSTR 3B से रिलेटेड जो फॉर्म है वो रूल 5 के अंदर दिया गया है 61 में, जिसमें इन्होंने ये बताया है कि GSTR 3B जो है वही रिटर्न रहेगी एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 39 सब सेक्शन 1। अब देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर दो चीजों का कॉन्फ्लिक्ट जो है निकल के आ रहा है डिपार्टमेंट के साथ। एक तो ये कि भैया आप एक बार जब लेट फीस कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके ऊपर फिर पेनल्टी लगा रहे हैं, और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ये है कि आपके पास जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एज प्रेस्क्राइब बाय CBIC दिया गया है उसको आप फॉलो नहीं कर रहे, आप डायरेक्टली चले जाते हैं पेनल्टी क्लॉज के ऊपर। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा स्कूल ऑफ पॉइंट है वो जो दूसरा व्यू पॉइंट है वो ये निकल के आता है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो दिया गया है आपके GSTR 3B की टैक्स रिकवरी के लिए, ना कि पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंसेस के लिए। अब ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, ये सुनने में बड़ा अनजस्ट लगता है कि आप अगर एक दिन की रिटर्न लेट करते हैं तो आपसे लेट फीस ली जाती है, आपसे इंटरेस्ट लिया जाता है, उसके बाद सेक्शन 125 का हवाला देते हुए आपसे पेनल्टी भी लगाई जाती है। तो एक रिटर्न को लेट करने के लिए कितनी बार दंडित करी जाएगी, कितनी बार आप पेनल प्रोविजंस जो हैं चाहे वो लेट फीस के रूप में हो या फिर पेनल्टी के रूप में हो वो लेंगे। या तो आप लेट फीस लीजिए या आप पेनल्टी प्रोविजंस ही लगाते रहिए। आप जैसे ही ड्यू डेट पार हो आप SOP को साइड की, जैसे ही ड्यू डेट पार हो जाए सबसे पहले आप सेक्शन 125 का ही नोटिस SSC को भेज दीजिए, SOP बाद में इशू कीजिए, जो टैक्स की रिकवरी है वो बाद में होनी चाहिए और पेनल्टी जो है वो पहले हो जाए। तो ये किसी भी एंगल से जस्टिफाइड नहीं लग रहा है सुनने में समझने में। बाकी जो नोटिसेस आ रहे हैं इसके लिए अपील करना ही होगा, तभी यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा और डिपार्टमेंट जो है इस एक्शन को रोकेगा। अब देखते हैं जो हमारे पास सेक्शन 47 और सेक्शन 125 दिया गया है वो क्या कहता है। जैसा कि आप सभी को पता है सेक्शन 47 बात करता है लेट फीस की। लेट फीस किस चीज की, रिटर्न की लेट फीस। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बताया गया है एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाईज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 37, सेक्शन 38 और रिटर्न्स रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 39 जो कि है GSTR 3B।
और सेक्शन 45 बाय द ड्यू डेट शैल पे अ लेट फी ऑफ 100 रुपीज फॉर एवरी डे, जिसको रिड्यूस करके किया गया है 50 रुपीज पर डे, जो कि लोग पोर्टल पे करते हैं ऑटोमेटिकली सिस्टम कैलकुलेट करके दे देता है। इसके बाद हमारे पास सेक्शन 125 है और ये बात करता है पेनल्टी की। अभी तक सेक्शन 47 के अंदर पेनल्टी वर्ड यूज नहीं करी गई थी, अब जीएसटी एक्ट के अंदर लेट फीस को अलग बताया गया है सेक्शन के अंदर और पेनल्टी के लिए अलग सेक्शन दिया गया है सेक्शन 125। ये बात करता है एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावेंस एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और एनी रूल्स मेड देयर अंडर फॉर विच नो पेनल्टी इज सेपरेटली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट शैल बी लाइबल टू अ पेनल्टी विच में एक्सटेंड टू 25,000 रुपीज, यानी कि सीजीएसटी 25,000, एसजीएसटी 25,000, टोटल 50,000 रुपए की पेनल्टी जो है वो लग जाएगी। अब चूंकि जीएसटीआर 3B के लिए कोई पेनल्टी प्रेस्क्राइब नहीं है, सेक्शन 47 में लेट फीस प्रेस्क्राइब है, इसीलिए जीएसटी डिपार्टमेंट जो है अब आपको नोटिसेस भेज रहा है सेक्शन 125 के अंदर। अब देखिए इन्होंने जो एसओपी इशू करा था इसमें इन्होंने क्या बोला था, इसमें इन्होंने ये बोला है कि फॉलोइंग गाइडलाइंस आर हियर बाय प्रेस्क्राइब्ड टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ लॉ अक्रॉस द फील्ड फॉर्मेशंस, जो आपका यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए फॉर टेकिंग एक्शंस रिगार्डिंग नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न, ये होना चाहिए था। इसमें इन्होंने बताया है कि अगर आपका ड्यू डेट आ चुका है तो ड्यू डेट से 3 दिन पहले एक रिमाइंडर SMS भेजा जाएगा SSC को कि ड्यू डेट आ चुका है, अपनी रिटर्न आप फाइल कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही ड्यू डेट पार हो जाएगा उसके बाद सिस्टम फिर से ईमेल और SMS भेजेगा कि आपकी जो ड्यू डेट है वो निकल चुकी है सेक्शन 39 की रिटर्न फाइल करने की, आप उसे जल्द से जल्द फाइल कर लें। उसके बाद भी अगर वो फाइल नहीं करता है तो 5 दिन के बाद आपके पास GSTR 3A का नोटिस आएगा अंडर सेक्शन 46, जो कि ये कहेगा कि आपने जो है GST रिटर्न अभी तक फाइल नहीं करी है, तो आप कारण बताएं कि आपने क्यों रिटर्न नहीं फाइल करी है और उसे जल्द से जल्द फाइल कर लें। और नोटिस जिस दिन आपको मिलेगा 3A का, उसके 15 दिन के अंदर आपको रिटर्न जमा कर देना है। उसके बाद भी अगर आप रिटर्न जमा नहीं करते हैं तो सेक्शन 62 के अंदर जो डिपार्टमेंट के पास ऑप्शन है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने का, उसका भी पावर दिया गया है कि 3A का नोटिस नहीं आया, 15 दिन के भीतर आपने फाइल नहीं करा, फिर आप सेक्शन 62 में कार्रवाई स्टार्ट करें और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करके आप अपने हिसाब से टैक्स का कैलकुलेशन, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करके भेज दें और डिमांड उसके ऊपर रेज कर सकते हैं। जब आपको सेक्शन 62 की कार्रवाई होने के बाद ASMT 13 का नोटिस मिल जाए तो आप उसके अंदर फिर से 30 डेज का टाइम पीरियड लेकर के अपनी रिटर्न्स जो हैं फाइल कर सकते हैं और ASMT 13 और DRC 07 का जो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किया गया था उसको वहीं खत्म कर दिया जाएगा। और उसके बाद फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 62 जो डिपार्टमेंट के पास ऑप्शंस हैं वो किसी भी तरीके से डेटा एक्यूमुलेट कर सकता है, चाहे वो ई वे बिल का डेटा हो, चाहे वो आपके GSTR 2A का डेटा हो, या फिर किसी भी थर्ड पार्टी से अगर आपसे रिलेटेड कोई डेटा आता है तो सारे डेटा के बेसिस पे आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट डिपार्टमेंट करके आपको भेजेगा। तो कम से कम 45 से 50 डेज का टाइम पीरियड आपको दिया जाएगा अगर आपकी जीएसटी रिटर्न नहीं फाइल होती है तो उससे रिलेटेड टैक्स की जो रिकवरी है वो ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताता है, लेकिन यहाँ पर पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंसेस जो है वो नहीं दिया गया। तो ये जो चीजें हो रही है, अब नोटिसेस आ रहे हैं पेनल्टी को लेके, इसको कोर्ट ऑफ लॉ ही डिसाइड कर सकता है कि ये पेनल्टी कितनी जायज है कितनी नाजायज है, क्योंकि SOP प्लेन वे में ये नहीं कहता कि आप पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंसेस के लिए भी SOP को फॉलो करें। आपको सिर्फ ये बताया गया है कि टैक्स की रिकवरी कैसे होगी, बाकी पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंसेस आप सेक्शन 125 के अंदर करेंगे। लेकिन किसी भी एक चीज के लिए अब अगर आप लेट फीस ले रहे हैं तो फिर पेनल्टी लेना कितना सही है कितना गलत है वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाने के बाद ही पता लगेगा, अपील्स के बाद ही पता लगेगा। जो लास्ट ऑप्शन दिया गया है, इन द केस डिफॉल्टर फर्निसेस अ वैलिड रिटर्न विद इन 30 डेज ऑफ द सर्विस ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर द सेड असेसमेंट ऑर्डर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन विथड्रॉन इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 62 ऑफ द CGST एक्ट। However, if the said return remains unfurnished within the statutory period of 30 days, the issuance of order of ASMT 13, the proper officer may initiate proceedings under section 78 and recovery under section 79. अगर उसके बाद भी रिटर्न नहीं फाइल होती है तो रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किए जा सकती हैं अंडर सेक्शन 79, जो कि आपका टैक्स लाइबिलिटी 3B में बनता है।
तो ये चीजें जो है अब समझना बेहद जरूरी है। तो इससे अच्छा यह है कि इन सारे पचड़े में ना पड़े, GSTR 3 भी बिफोर ड्यू डेट फाइल कर ले, ताकि आपके पास ऐसा कोई भी नोटिस ना आए सेक्शन 125 के अंदर 50,000 का, उसके बाद आप लड़के अपनी पेनल्टी जो है वो बचा ले, क्योंकि ये काफी ज्यादा हार्श होने वाला है अगर ऐसा हो जाता है। तो आप अपना व्यू पॉइंट जरूर शेयर कीजिएगा। मैंने अपना व्यू पॉइंट शेयर किया कि क्या ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जीएसटी का जो एक्ट है, जो प्रोविजंस हैं, जो रूल्स हैं और जो एसओपी है वो क्या बातें करती हैं, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमारे वेबसाइट gstplatform.com पे जा सकते हैं और उसका जो कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन है उसमें आप जाकर के अपनी क्वेरीज मुझ तक पहुंचा सकते हैं। हमारी टीम विद इन 48 आवर्स उसका रिप्लाई करेगी। अगर आपको इंस्टेंट क्वेरीज की रिप्लाई चाहिए, कॉल पे क्वेरीज की रिप्लाई चाहिए, तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं, जिसकी ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसमें भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। और इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करना है लोगों के साथ, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि 3B के अंदर भी पेनल्टी जो है 50,000 रुपए तक की लगाई जा रही है, तो इस केस में करना क्या है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।